वेलकम टू आयशा कुकिंग वर्ल्ड। आयशा कुकिंग वर्ल्ड में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर दो प्याजा रेसिपी। टेस्टी तो होगी ही, साथ ही होगी बनानी आसान। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर दो प्याजा बनाना। पनीर दो प्याजा बनाने के लिए ये मैंने एक कढ़ाई ली है और सबसे पहले मैं यहाँ पर ये एक टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी और ये पनीर के पीस को शेलो फ्राई कर लूंगी। ये पनीर भी फ्राई हो चुका है, पनीर को हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। दो मीडियम साइज की प्याज को मैंने इस टाइप से कट कर लिया है, इस तरीके के पीस मैंने इसके अलग कर लिए हैं और प्याज को भी मैं पनीर के जैसे शैलो फ्राई करूंगी। बस हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये प्याज भी फ्राई हो चुके हैं, इसको भी हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और गर्म होने पर आधा टी स्पून जीरा डालेंगे। दो मीडियम साइज की प्याज को मैंने फाइन चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे और सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है और ये चार टेबल स्पून टमाटो प्यूरी है मेरे पास, ये डाल रही हूँ मैं। आप इसकी जगह पर टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं और ये चार टेबल स्पून काजू का पेस्ट। और एक मिनट भुनेंगे दोनों को। कुछ मसाले भी ऐड कर लेंगे। आधा टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही रखें आप, एक पिंच हल्दी पाउडर। एक मिनट और भुनेंगे और ये मसाला भी बहुत अच्छे से भून चुका है। थोड़े दूध के साथ मसालों को भुनेंगे, जब तक भुनेंगे जब तक तेल मसाले से अलग नहीं हो जाएगा। पनीर के पीस भी ऐड कर देंगे इसमें और कवर करके पकाएंगे हम इसको 5 मिनट तक लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। ये फ्राई हुई प्याज को भी मैंने इसमें डाल दिया है। प्याज को हम बहुत ज्यादा मसलेंगे नहीं, पीसीज में ही रहने देंगे। कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा टीस्पून किचन किंग मसाला जो हमारे पनीर को और भी टेस्टी बनाएगा, और ये आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, एक टेबलस्पून कसूरी मेथी। थोड़े पानी के साथ फिर से पकाएंगे हम इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। ये हमारा पनीर दो प्याजा बनकर तैयार है, डिश आउट कर लेते हैं। एकदम फ्लेवरफुल और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।